उसने तो इसका ताला ही खोल दिया। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी तो मैं उठ चुका हूँ, आज जल्दी उठ गया हूँ मैं, और मैं जल्दी उठ के मैंने तो नहा भी लिया और अभी तक वो आए नहीं है। वो लोग तो पता नहीं सुबह सुबह कैसे उठ जाते हैं और मेरा उठने का ही मन नहीं करता है। मैं कम से कम 6 या 7 बजे के टाइम में उठता हूँ रोज। अभी तो यहाँ का मौसम देखिए कितना बढ़िया, धूप आ रखी है। हेलो गाइस, अभी तो ये रनिंग से भी आ चुका है, मैंने तो नहा भी लिया और अब आ रहा है। और कल हमारा बल्ब भी फ्यूज हो गया था तो हम ये वाला 10 वाला बल्ब लिया है यहाँ पे, वो घर जाना इसलिए 10 वाला है। और ये बल्ब तो इसको तो उतार के यहाँ पर दिया, इसमें कोई कारीगरी दिखाई हमने, कारीगरी नहीं फालतू की नहीं, तो कुछ कारीगरी दिखाई हमने, देखो लाल लाल जैसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो लगता है जल गया, अगर ये खराब हो गया तो ये तो अब जाएगा नहाने के लिए। तो यहाँ पे को हमारे ये भोले बाबा ने सुबह सुबह 20 रुपए दिए, यहाँ पे को नहाने के बाद अपने कपड़े धो रहा है और इसका साबुन इतना बेकार है, बस गल नहीं रहा है अभी, हो और बेकार साबुन लेके आ गया यहाँ पे अपना। बोल रहा था ये जो भाई है इसको बहुत ही चिड़मस्ती है, तो ये लोग तो मजाक बना रहे मेरी शादी तो ये लोग सब मजे ले रहे हैं मेरे, हंस रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। और ये मोटा नहा को नहा के आगे दिखा दो आपको, ये हमारे मोटे वाले पंडित जी जो भी नहा के आ चुके हैं भाई। अब आगे से कहाँ से आया, तो बार बार ये पता नहीं बंदा नीचे चल जाता, उसके बाद फिर पानी नहीं खोलता है, ये बहुत दुष्ट इंसान है, नीचे जाने के बाद पानी नहीं खोलता। और ये देखो नहाने के बाद कैसा कर रहा है अपने हाल, कपड़े उसने तो इसका ताला ही खोल दिया। यहाँ के लोगों की तो हरकतें एकदम बेकार हैं, और ऐसी गाय आपको हर जगह हर गलियों में मिल जाएगी जो कि ऐसे कूड़ा खाती हुई नजर आएगी आपको, जो कि बिल्कुल एकदम बेकार है। और यहाँ पे कूड़े वाले भाई लोगों की ऐसे रोड में कूड़ा फेंकने वाले हर कुछ देख के परेशान है, जबकि मोदी जी उतना बढ़िया अभियान चला रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन। यहाँ पे वो कितनी सुंदर सुंदर डिजाइनें बनाई है, पेंटिंग बनाई है दीवारों में, और ये हर गलियों में आपको दिख जाएगी ऐसी पेंटिंग, मोदी राज में ये संभव हुआ है। ये हमारे साटू छोटे वाले यहाँ पे को अपनी तांत्रिक विद्या सिद्ध करते हुए दुर्गा सप्तशती के माध्यम से हम तो यहाँ पे का बहुत दिनों के बाद चाय बना रहे, क्योंकि चाय हमने बीच में भी नहीं छोड़ दी, तो अभी पी रहे हैं। और मैं बिस्कुट स्कूल लेके आ चुका हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ता करना भी बहुत जरूरी है अभी, आज तो बहुत दिन के बाद चाय पी रहा हूँ। और सौरभ सुबह सुबह गाने बजा देता है, यहाँ पे कोई ताला हो जाता है ना सुबह सुबह के टाइम में, तो ये जो है इसका गाना बजाना यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, थोड़ा लोगों से कह के यहाँ नीचे गुरी से कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हमारी चाय बन चुकी है और चाय पीने भी, तो पहले चाय पीते हैं और चाय के साथ बिस्कुट भी लेके आया हूँ मैं, बहुत दिनों की बात कर रहा हूँ कि ये भी अपने लिए बिस्कुट लेके आया, ये स्नैक लेके आया, और मैं पार्ले जी लेके आया हूँ, अभी फिलहाल मैं चाय पी रहा हूँ, पहले चाय पीते हैं आपसे। तो अभी हम वेदांत पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वो सौरभ हो गया, मेरे भाई हो गया, और मैं हो गया, 3 दिन पढ़ रहे हैं। नाम प्रतिदिन मुखा शॉपिंग कर रखी है हमारे मोटे वाले भाई ने, सत्यम भाई ने 4 लोअर आ रखी है, 500 रुपये की 2 लोअर है इसकी, 1000 रुपये का सामान है, मतलब पूरा ऑनलाइन मंगा रखा है इसने। कपड़े तो इसके बढ़िया हैं वैसे, कौन सी कंपनी के लोअर है इसका, तो बीटान कंपनी का है, और देखो कैसे चमक रहा है इसमें, रेडिसन वाला सिस्टम है इसमें, ऐसे चमक रहा है। और ये पाँव में भी है इसके दोनों जगह, मतलब रात को कहीं जाएगा तो इससे चमक आएगी, दोनों मिटान की है और दोनों में ऐसे चमक वाला सिस्टम है, ये इनमें नहीं है, और एक काले काले और नीले नीले वाले में रंग में इसके, उसमें तो 3 जगह रेडिएशन है, और वो वाली में, ये वाले में नहीं है और इसमें भी है। तो ऑनलाइन सामान तो कभी कभी बेकार भी आता है, इसमें स्क्रेच पर रखे हैं, स्क्रेच भी आ रखे हैं, और बाकी तो सब सही आए हैं। आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।